परमात्मा है, दोनों बराबर है। आप पतितों के उदाहरक है, पतितों के पापी पतितो जन पापी जन जिन्हें हम कुछ पतित पावन उदाहर करण के जगन्नाथ पतित मान को उदाहर कर पतित पावन तेणु से कहते आप पतित के उदाहरक है, पतितों के उदाहरक है। मैं पतित हूँ, मुझे भव सागर से पार कर दीजिए, नहीं वो आपकी प्रतिस चल जाएगी, प्रतिशा ढल ढल जाएगी। मत यही भव सागर रु पार कर दी, आपण पतित उद्धार आपण पतित को उद्धार करती, मु जने माने पापी माने को उद्धार करती, मु जने पापी मते मध्य उद्धार करै भव सागर, नहले मु बुड़ी जीवी मु नष्ट हो जीवी। तापर कौन अच्छी बालीला कमाल लगो पढ़ी नहीं करे कि क्यों पढ़ी हो पढ़ा बालीला पढ़ ला तो सौंपो जरे तो धांधी परा आप उनको सर पे ना धांधी करा तो सौंपो ना ना आप उनको देखो डाक लगा तो पढ़े तब ही पढ़ ला लगे तनी खंबन प्रतिबिंब पर लक्षत जंबर बीज पे वा तन जसो जसो दाजी के उनमें ते आउली छती छवी अनंत नाल अनंत ना जेवा सदा प्रभु तुम्हे हरे तुम्हे 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 दरस को चरणी की बलि दे तुम्हारे माने कौन तुम्हारे का तांको भाषा तुम तुम्हारे अभी भी मगर कौन कौन पांच लास्ट लाइन को लास्ट लाइन सूरदास प्रभु तुम्हारे दस दरस अचेत नंद जसोदा जी के ऊर ए यही छवि अनंत ना जेवा सूरदास इसी छवि अना ना बुझे दो सेटा एटा कहो छी कि कमल लगे मोहन में गया माने प्रथम में कहि दिने से दी प्रकार लेखा लगले गोटे दिन में भाबरे लेखुतले माने भक्तर दिनता भक्तर मन विषय जहां सब तार कल्पना बा तार विनय तक लेगी लेखुतले बा तार आ कोन लेखुतले भक्तर विनय भाबरे कोन लेखुतले आचार्य सलाह देखिले बात्सल्य भाव में भक्ति रस दे लिखले विनय लिखले पहले वो विनय के पद लिखते और गाते थे जिसका विषय भक्ति की दीनता और नम्रता दीनता माने से कि बोले दिन हिन है कि ठाकुर को कहूची तार आउ तार नम्रता विषय रे लिखले एटा के तो लिखले तापर बांधी ने जे जुड लिखले सेटा होला भक्ति भाव रे भगवान के विषय रे तनो एडी लिखन कमल लोग मोहन मया मया पिता नंद सो बाबा और हलधर सो भैया हलधर हला ये बोलरा तो बोले कमल लगे मोहन मया मया मोहन के समर कृष्ण मैया मैया बैगे डाको चंदी माँ को तरु के यशोदा पिता नंद सो बाबा बाबा तंकर बाबा के नंद आउ और हलदर सो भैया आउ हलदर हलद दे धरे थांती से जो बलराम से बलराम हो तंको भाई तन को बने कृष्ण बड़े हो रहा है कृष्ण जते बड़ा छोटा हो छंती तब धीरे धीरे बड़ा हो छंती बड़ा हो छंती मोहन अब माँ माँ कहते हैं तब धीरे धीरे से माँ माँ बोली कहते था तो जसोदा को माँ माँ बोली कहते नंदी को बाबा कहकर पुकारते बापा की नंदराजा तेणु से जेहेतु टिके टिके बड़ हो तार बाबा को
नंद राजा को बाबा बाबा कहीं डाकुचे माँ यशोदा को मामा कहीं डाकुचे और कौन कर बलराम को भैया कहते हैं, जो हलधर जी है बलराम जी हलधर को भैया कहते हैं। जब वे बाहर कभी निकल जाते हैं तो यशोदा उच्च स्थान पर चढ़कर उसे कहती, बेटा रे दूर कहीं मत जाना। कहा पर लाइन अच्छी यशोदा पूछती कि ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, एलो नाम कन्हैया। अरे वो तू ऊंचा ऊंचा जगह को जानी, दूर को जानी मदी जी को या फिर पौड़ी जी को, दूर कहूं जाती जाओ लल्ला रे मारे ही कानू की गया। ताले से कौन कहती यशोदा देखो जिते बड़े से ऊंचे ऊंचे के बाहर को पढ़ाऊ कृष्ण छोट हो जाती गुरुंद गुरुंद की बाहर को पढ़ाऊ तो यशोदा कहती ऊंचे स्थान चढ़कर उनसे कहते है, बेटा दूर कहीं मत जाना, किसी की गया मार देगी, मैंने की गाई गया मैंने कार गाई मारी दबो है कि गाई बड़े मैंने गोप पुर से खाली गाई करू भर्ती तो कृष्ण जिते बड़े बाहर को टे पढ़ाऊ ग्वाल कृष्ण के खेल देखकर खुश होते हैं। तापर मन गोपी ग्वाल करत कौतूहल घर घर लेत बलैया। गोपी मैंने कौन गोपी रो गोपी ग्वाल ग्वाल है कौन गोपी गोपाल मान गोपी गोपाल मान कौन करोपी ग्वाल कृष्ण के खेल देखकर खुश होते कौतूहल होते मैंने खुशी होती है कृष्ण कर जो लीला खड़ा भल छोट होती गुरु दीदी पढ़ाऊ किसी जिन देखी गोपाल मैंने खुशी होते घर घर में लोग कृष्ण की बलोया दोनों हथेलिया की मुट्ठी बनाकर बच्चे के सिर से छुलाकर अपने सिर छुआया छुना यह क्रिया अपने को बच्चे पर नौछवार करता है। कर लेते कौन करोगे हाथों देता को धरेगी कौन करने से छोटे पिल्ला को दोनों हथेलिया को मुट्ठी बनाकर हाथों को मुट्ठी बनेगी दीटा हाथों को मुट्ठी बनेगी बच्चे के सिर से छुलाकर छुआ को तुम गेल कर दी गोटे प्रकार शैली है छुआ को गेल करता छुआ मुंडे लगे कृष्ण मणि के खम्भों पर मणि के जो खम्भ सब घर मणि कांचन विभिन्न प्रकार कांचन मणि मणि मुक्ता जो सब खम्भ घर लगी कांथ मझे गोटे खम्भ ना था घर एक मत जो पिलर कौन करोटा राजा राजा मान कौन पूरा राउंड खम्भ भैया सब विभिन्न प्रकार अलंकार लगे मूल्यवान वस्तु सब लगे तमर धातु सब लगे सब मणि के खम्भ पर प्रतिबिंब देखते हैं और नाचते फिरते है तो जो मणि खम्भ रे मणि लगी चकचक तार देहरे निजर मिरर भले देखा जाए निजर प्रतिच्छबि देखा जाए देखिकी कृष्ण जब छोट से जो खम्भ गुडाक मणि लगी खम्भ गुडा देखुंट प्रतिच्छबी देखा जाए देखिकीना बहुत खुशी होती कहती मणि खम्भर प्रतिबिंब नाच कुर निज पेरा सी खुशी नाचुचार अपने पेर निजर पाद अपने पेर से नाचते कूदे निज पाद छोट छोट पाद हसी खेल कूदी हूँ कहीं निजर प्रतिबिंब देखुं खम्भ से मणि आम जमी गोटे छोट छुआ थी गुरुंद मीर देखेदे तार प्रतिच्छ देखिए जो खुशी हुए आनंद डेई पड़े से कृष्ण से देखाई कौन कहते नंद यशोदारी के ऊर्ते इतनी छवि अनंत न जया यह सुंदर रूप नंद यशोदा के मन में सर्वदा बैठा रहता है अन्यत्र नहीं जाता।
देखा जाए ना अनंत न जया आउ कोठी की जाओ न थिला तांकर जो लक्ष्यटा नंद आउ यशोदांकर कृष्णंकर ए जो हरकत है सब बड़े तांकर नजरटा कृष्ण को ऊपर ही पड़े थिला आउ कोठी की अन्यत्र तांकर नजर जाओ न थिला से जो अन्यत्र जोटा अनंत ना लास्ट लाइन में ऊपर टा ना धड़ क्या तुम पता थिला हां इने छवि अनंत ना जया नंद यशोदा यशोदा जी के दे इति छवि अनंत न जय से जो कृष्ण को लीला खेला देखु जे कृष्ण के भई निजर प्रतिछवि देखि कि खुशी होउछि ताको देखुले तांकर नजरटा केवल नंद और कृष्ण को नजरटा केवल कृष्ण को ऊपर ही पड़िथिले से आउ कोडी अन्यत्र तांकर आखी जाउ नथिया माने से आउ कोडी के जाउ नथे एका ध्यान रे कृष्ण को ए जो लीला को देखुले ठीक तापर जे सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणाति ई बिज जयवा सूरदास कौन को सूरदास कहते सूरदास कहते हैं हे प्रभु मैं तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का अभिलाषी हूँ मोर इच्छा मोर आकांक्षा अच्छी इच्छा पोषण कर चरण को स्पर्श करने तुम चरण को देखना अभिलाषी अच्छी आशाई अच्छी मैं अपने को उन पर निस्वार करता हूँ निज को समर्पण करदे चाहूंगी निजर आत्मा को निज को तुम पाद तले समर्पण करदे चाहिए ठीक लास्ट कौन अच्छी लास्ट के लास्ट चलन यशोदा मैया जगमगाई धरनी हरे पया सुंदर वदन बिलपति आनंद भलेया बल को तेरी बुलवाती बुलावती बुलावती आगमन आंगन जीवो मेरो बाल कन्हैया बाल कन्हैया सूरदास प्रभु सब सुखदायक आदि प्रताप पालक नंद रहया हां एटा कोन कहंती माता यशोदा कान्हा को चलना सिखाती तापर इतर गुरु को जने तांको धीरे धीरे चलिबा सिखो देंती कृष्ण भूमि पर पांव रखकर चलते लगते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं तब यशोदा घबराकर उनका हाथ पकड़ लेती है जब से चालू चंदी नुआ नुआ की पाद तंग टल मन को कृष्ण कर से पड़ी जीव को वाला को यशोदा कांटा डरी के घबरे की जाई तक धरी पहुंचे यशोदा कभी तो पुरुष की सुंदर मुख को सिहारनी है सिहारती है देखती है कभी आनंद से भरकर उनको बलैया लेती है अपने के अपने को इच्छा वर करती है निज आड़ को जाने नहीं कि ताको स्नेह करो थे केते बड़े ता मुंह को देखो ले सके ता को गेटा कर दले ता को कोई न थे एमिति सब कृष्ण को जसोदा कर दले अपने के नीचे को कभी बलदेव बलदेव लगा बड़ भाई बल को पुकार कर कहती है कि किसी आंगन में दोनों भाई मिलकर खेलो बलदेव को कहते बड़े बलराम को डाकी कहथले जे एही अपना रे दिजण मिसी किना खेल अति भाई मिसी खेल कभी कुल देवता से शुभ विनती करते आओ केते बेले जसोदा कोनती तार कुल देवता के कुल देवता तांग इष्ट देवता तांको सबले कोठले कि मेरे नामे तो हो छुआ मानो को कन्हैया को चिराग को करना तांको दीर्घ जीवी कर से अधिक वर्ष वंचित रहंतु बोली ठाकुर को मते प्रार्थना करथले सूरदास कहते हैं कि प्रभु तो सबके सुखदाता है नंद राजा के प्रतापशाली बेटे है प्रभु तो समस्त को सुख करता है सी हो जदी नंद राजा कर प्रतापशाली छुआ
बोले ए सुरदास कहते गोटे छोट छुआ तार माँ कहती सकाल पड़ी जीव कृष्ण यशोदा तो कृष्ण जो छोट हो चाली ना चाली शिखी ना नुआ नुआ कर तार माँ कमी पछ पचे जाऊ सुरदास वर्णना कर देखो दे दबो